क्यूरियोसिटी के बारन में इंस्टिल करण जी भरपूर ज़रूरत है कि क्यूरियस ना आए, क्यूरियस नहीं है हमारे बच्चे, वो स्टूडेंट्स के साइंस में आगे जाना चाहिए, साइंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो डू यू ऑल्सो थिंक सो, या एक जो जनरल मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है, सोच एग्जिस्ट कर रही है कि जॉब चाहिए और रिसर्च भी करनी है तो बस थोड़े टाइम में जल्दी से निकल जाए क्योंकि मुझे फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पैसे कमाने हैं, ये ऐसा ये छो आए, या प्रोफेसर्स टीचर्स जी भी गलती आए तो वह भी ऐड कर सको था। अॼुकल्ह जो दौर न जेका इंपॉर्टेंट शइ बणिजी वई आहे अॼुकल्ह जे दौर में, हू पैसो थी वियो आहे। ठीकु आहे, यानी पैसो कमाइण माना अॼु जे दौर में हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि सम्झो थो वञे। हर कंहिंजो ध्यानु इहो ई आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान में, ख़ुशि असां जंहिं कंट्री में रहूं था, अगरि असां पंहिंजे आस पास जी ॻाल्हि कयूं त हिते पैसो कमाइण खे प्रायोरिटी यानी असां पढ़ूं था पैसो कमाइण जे लाइ। जी बिल्कुलु, अॼुकल्ह जो दौर वञे थो बिज़नेस जे तरफ़। ठीकु आहे, त खोड़ सारे माण्हुनि जो इहो ई आहे इरादो त काई बि हल्की फुल्की डिग्री करे असां पंहिंजे पैसे जो इस्तेमालु बिज़नेस में करे सघूं था। ठीकु आहे, त असीं छो रिसर्च में जेको आहे 5 साल 6 साल या कंहिं ॿी कंहिं फील्ड में जेको आहे असां वेस्ट कयूं। हुन जो मक़सदु इहो आहे त असीं ॿी का हल्की फुल्की डिग्री करे नेक्स्ट बिज़नेस जे तरफ़ ई असां वेंदासीं, जेको मेन मक़सदु असांजो पैसो कमाइण आहे। हिन डिग्री मां असांखे छा मिलंदो? अच्छा, इते कमी अचे थी क्यूरियोसिटी जी, यानी जेका पहिरियां ॻाल्हि थी वई। सही आहे, सिंधी में हिकिड़ी चवणी आहे त शौक़ जो को मुल कोन्हे। सही आहे, ठीकु आहे, तव्हांजो शौक़ु जेकॾहिं हूंदो कंहिं बि शइ में न, त हू तव्हांखां तव्हां ईअं न ॾिसो त 5 सालनि 12 सालनि 10 सालनि, ठीकु आहे, हू तव्हांखे उहा शइ कंटिन्यू कराईंदो, हू तव्हांखां उहा शइ थींदी रहंदी, नो मैटर केतिरो बि टाइम लॻे थो तव्हांखे। ठीकु आहे, अच्छा, हीउ अधो चवे थो, इहे कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ु और सिर्फ़ु पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कोई अग्री डिसअग्री करेगा या ये जो है एक इट्स नॉट अ गुड एक्सक्यूज़? ओके, उससे मैं बिल्कुल एग्री करूँगी क्योंकि हम शायद अपने बच्चों को साइंस को उतना इंटरेस्टिंग करके नहीं पढ़ा पाते कि उनको उसमें इंटरेस्ट डिवेलप हो, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप नहीं होती। और यही वजह है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आपने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बता पाते कि आपने बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बन के आपने वो काम करने हैं या उन मसलों का हल तलाश करना है जो आपके लोगों के मसले। यू आर सेइंग दैट दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स प्लस टीचर्स आल्सो। वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे इतनी आबादी पढ़ी लिखी है नहीं, तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो क्यूरियोसिटी इंस्टिल करें? लेकिन ये जो टीचर्स हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनका काम है कि बच्चों को साइंस को उस इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया जाए, हमारे उस इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया नहीं जाता। तो ज्यादा क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, प्रोफेसर्स टीचर्स या टीचर्स भी हुए? और डेफिनेटली पेरेंट्स भी कुछ हद तक हैं, क्योंकि आजकल अवेयरनेस है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ देख के समझ सकते हैं। प्लस आजकल का जो बच्चा है वो जल्दी चाहता है, उसको हर चीज का बच्चा जल्दी चाहता है, उसको आउटकम जल्दी चाहिए, उसको अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए। दुनिया में कोई दुनिया में कोई भी चीज़ आप हासिल करने के लिए आपको वक्त और मेहनत दरकार होती है, लेकिन आजकल का बच्चा चाहता है कि उसको रिजल्ट जो है, क्योंकि ये टच स्क्रीन वाले बच्चे हैं तो ये चाहते हैं कि बस सब कुछ जल्दी से हो जाए, तो कोई तो चीज़ जल्दी नहीं होती। ही कसूर है या इसमें आप ओवरऑल सोसाइटी का इसमें ओवरऑल सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम का भी एजुकेशन है, सोसाइटी भी है, क्योंकि हम उनको ये बता ही नहीं पाते कि बेटा किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या किसी लेवल पे पहुंचने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड विद पेशेंस।